बात रोहित विमुला की, क्योंकि रोहित विमुला की मौत को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन सियासत अब भी उबाल खा रही है और इस बार शिकार बनाई जा रही है रोहित की मां। वो मां जिसने 2 साल पहले अपना बेटा खो दिया, वो मां जो इंसाफ के लिए आंदोलन में जुटी है, उसके दर्द को बार बार कुरेदा जा रहा है, बार बार सवाल पूछा जा रहा है, बताओ रोहित विमुला दलित था या नहीं। अब तो ये तक पूछा जा रहा है कि राधिका विमुला को मोदी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए पैसे की पेशकश की गई थी। राधिका विमुला ने चेक बाउंस होने की बात तो मानी, लेकिन पैसे के एवज में सियासी बयान को झूठा करार दिया। बीजेपी की मोदी की व्यतिरेक ग्रहिशी एवर दर डबूल मालासा अवसर लेकिन अंत डबूल कोसम केरला मीटिंग प्रचार नीन अन्नी चोटे औरंगाबाद के पुणे की वेला ढिल की वेला राजस्थान की वेला चा राधिका विमुला के मुताबिक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता उनसे मिलने आए थे, घर बनाने के लिए 20 लाख रुपए की मदद का वादा किया था, लेकिन चेक बाउंस होने से उनका विश्वासघात सामने आ गया। अब बीजेपी हमदर्दी दिखाते हुए विपक्ष को घेर रही है। कब तक इस देश में इस प्रकार की राजनीति, इस प्रकार का बहुत ही घिनौनी हरकतें कुछ विपक्षी दल करते रहेंगे। तस्वीरें बताती हैं कि राधिका कई सियासी मंचों से बेटे रोहित विमुला के इंसाफ की आवाज उठा चुकी हैं। रोहित के नाम पर दलित का मुद्दा बताकर राजनीति हुई, हर किसी ने रोहित की मौत को सियासी नफा नुकसान का हथियार बनाया और इस शोर में ये सच दफन होती चली गई कि राधिका विमुला ने अपना बेटा खोया है और एक बेटे के लिए इंसाफ उसका हक है। बच्चे के डिलीवरी के लिए जाना क्लीयर अंकोट क्लीयर अवे क्लीयर अवे दिन मैं केरला वालों माटाड़ा पंपे मैं डबूल पंप। खबर आपने देख ली, लेकिन ये भी समझना जरूरी है आखिर हाशिए पर रहने वाले दलित सियासत में अहम क्यों हो जाते हैं। दरअसल वोट के लिए दलित सभी दलों को याद आते हैं, क्योंकि दलित राजनेताओं को याद आते हैं। दरअसल हर राज्य में दलित का की संख्या पार्टियों की चिंता की वजह है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं किस राज्य में दलितों की संख्या सबसे ज्यादा है। नजर डालिए आप पंजाब की सबसे पहले बात, पंजाब में 31.9%, हिमाचल प्रदेश में 25.2%, उत्तराखंड में 18.8%, दिल्ली में 16.8%, जबकि हरियाणा की बात करें हरियाणा में 20.8%, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20.7%, राजस्थान में 17.8% दलित हैं, बिहार में 15.9%, पश्चिम बंगाल में 23.5%, त्रिपुरा में 17.8%, मध्य प्रदेश में 15.6%, छत्तीसगढ़ में 12.8%, ओडिशा में 17.1%, महाराष्ट्र में 11.8%, कर्नाटक की बात करें तो 17.1%, जबकि तमिलनाडु में 20%। अब आपको दिखाते हैं दलितों का वोट शेयर कैसे कांग्रेस से खिसककर बीजेपी के खेमे में आ गया। तो नजर डालिए 1996 में दलितों का वोट प्रतिशत बीजेपी के पास 9 से 15% था और कांग्रेस के पास 27 से 32% तक था। गौर करिए साल 2010 के चुनाव तक दोनों पार्टियों के पास दलित वोट बैंक की स्थिति पहले जैसी थी, लेकिन साल 2014 में दलितों का वोट बैंक खिसका, जिसकी वजह से बीजेपी को सीधा फायदा हुआ और 2014 में बीजेपी के पास दलित वोट बैंक 27% तक जा पहुंचा, जबकि कांग्रेस का दलित वोट बैंक भारी गिरावट हुई इसमें। दरअसल समझने वाली बात है, 543 लोकसभा सीटों में 79 सीटें ऐसी हैं जहां दलितों का वोट बैंक सबसे ज्यादा है, ऐसे में उन सीटों का गुणा भाग काफी मायने रखता है। आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी हम समझाते हैं दिखाते हैं। तो साल 2004 और 2009 में कांग्रेस के पास दलितों की करीब 20 से 30 सीटें थी, जबकि बीजेपी के पास 10 से 15 सीटें मौजूद थी और साल 2014 में इसमें जबरदस्त बदलाव आया। कांग्रेस के पास दलितों की कुल सीटें 10 से कम हो गईं, जबकि बीजेपी की सीटें 40 के पार पहुंच गईं। इस साल कर्नाटक में चुनाव हो चुके हैं, जबकि 3 और राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। आपको दिखाते हैं साल 2013 में चारों राज्यों में दलितों की क्या स्थिति थी।
तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात सबसे पहले करें तो एमपी में कुल विधानसभा सीट 230 है, जहां 35 दलित सीटों में से 28 बीजेपी के पास थी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुल विधानसभा सीट 200 है, जिसमें 33 दलित सीटों में 31 सीटें बीजेपी के पास थी। कर्नाटक में कुल विधानसभा सीट 224 है। साल 2013 में 36 दलित सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी जीती थी, जबकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीट 90 हैं और साल 2013 में 10 दलित सीटों में से 9 सीटें बीजेपी के पास थी। अब साफ है कि दलित वोट बैंक खा सकता है तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसीलिए बीजेपी दलितों से जुड़े हर मुद्दे पर उनका हमदर्द बनने की कोशिश में है।